हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी साल बीत चुके होते हैं और जिनलिंग और सिचुई भी अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में होते हैं और वो दोनों भी अब रिलेशनशिप में होते हैं। जिनलिंग के फादर जिन जिश्वेन को भी सिजुई काफी अच्छा लगता है क्योंकि सिजुई हमेशा जिनलिंग का ख्याल रखा करता है और वो कभी भी जिनलिंग को किसी के साथ लड़ाई में नहीं लगने देता है। और तो और जिनलिंग को सिजुई से अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा। यानली और जिन जिश्वेन को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सन अगर किसी बॉय को लाइक करे या फिर एक गर्ल को। उन लोगों ने बहुत पहले ही सोच रखा था कि वो किसी को भी लाइक क्यों ना करे, वो लोग हमेशा उन्हें सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ अब यानली और जिन जिश्वेन की भी फैमिली एक साथ थी। उन दोनों की भी फैमिली के बीच में लड़ाई होना बंद हो गया था और वो लोग अब काफी फ्रेंडली रहने लगे थे। और यानली और जिन जिश्वेन के पेरेंट्स उन्हें ढूंढते ढूंढते खुद ब खुद उनके घर आ जाते हैं क्योंकि म्यानमैन ने इसके बारे में उन्हें बता दिया था। वो लोग ये जानकर काफी खुश थे कि म्यानम्यान ने हमेशा उसके ब्रदर को सपोर्ट किया और अगर आज वो नहीं होती तो उन्हें पता नहीं चलता कि जिन जिश्वेन और यानली अभी कहाँ रहते हैं। वो लोग ये जानकर भी बहुत खुश होते हैं कि जिन जिश्वेन की भी एक कंपनी है और यानली और जिन जिश्वेन अभी बहुत हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ उनका एक ग्रैंडसन भी है। और जब यानली की मदर को ये पता चलता है कि उनका एक ग्रैंडसन है वो उस समय काफी ज्यादा उदास फील करने लगती है क्योंकि उन्होंने यानली से कहा था कि वो उनका अबॉर्शन करवा देंगे, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थी कि अब उनका एक ग्रैंडसन है और वो उससे मिलना चाहती है और वो जेंग चैन और विंग से भी मिलना चाहते थे। बहुत साल हो गए थे उन्हें देखे हुए, अब तो वो लोग भी काफी बड़े हो गए होंगे और साथ ही साथ हमारा ग्रैंडसन भी बहुत बड़ा हो गया होगा, क्या पता उसकी एक गर्लफ्रेंड भी हो। यानली की मदर अपने मन में सोचती है कि अगर हमारे ग्रैंडसन के पास एक गर्लफ्रेंड होगी तो उसे जरूर बड़ों का रिस्पेक्ट करने आना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वो आना चाहिए। और अगर हमारा ग्रैंडसन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसे प्रोटेक्ट करना तो आना ही चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखे, उससे कभी लड़ाई ना करे और उसे कुकिंग करनी तो आनी ही चाहिए। अगर कभी हमारा ग्रैंडसन कुकिंग नहीं कर पाया तो उसे तो कुकिंग आनी ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर उसे कुकिंग नहीं आती होगी तो वो मेरे ग्रैंडसन के लिए अच्छी नहीं होगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडसन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को कुकिंग आए ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए। मैं क्या करूँ, मेरी ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड इसी तरह की होनी चाहिए, ये मुझे काफी अच्छा लगेगा। गाइस, ये लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड से, और सॉरी गाइस, उसके बॉयफ्रेंड से। वैसे हमारे सिजुई के पास वो सारी क्वालिटीज है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं और हमारे जिनलिंग को एक गर्लफ्रेंड की क्या ही जरूरत है गाइस, जबकि उसके पास हमारा क्यूट सा सिजुई है और उसके पास सिजुई है तो उसे किसी और की क्या जरूरत। आप लोग क्या सोचते हैं गाइस इसके बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जब यानली और जिन जिश्वेन के पेरेंट्स उसके घर के पास जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे उन्हें देखकर खुश भी होंगे या नहीं, या फिर वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। हमें पता है शायद वो लोग हमें माफ ना कर पाए, आखिर हमने चीजें ऐसी की थी, वो लोग हमसे नाराज तो होंगे ही ना। वो लोग ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिजुई आता है और सिजुई उन लोगों से कहता है कि हेलो, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप लोग यहाँ गेस्ट हो, आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, आप लोगों को अंदर जाना चाहिए। सिजुई ऐसा कहता ही है कि तभी
जिन जिश्वन और याली के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वह से यंग बॉय तुम कौन हो, तब सिजुई उनसे स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा नाम लैन सिजुई है। सिजुई इतना कहता ही है कि तभी कोई डोर ओपन करता है और वो और कोई नहीं याली होती है। याली उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और याली उन लोगों से ऐसे ही पूछती है कि आप लोग कैसे हो, अभी क्या सब कुछ ठीक है, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो। याली जब ऐसा कहती है तब याली के पेरेंट्स के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जिन जिश्वन की फैमिली सोचती है कि हमने इस जैसी लड़की को कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये हमारे सन के लिए हमेशा से परफेक्ट थी। और दूसरे तरफ यानली की फैमिली भी रोने लगती है और वो यानली से कहते हैं कि यानली हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमें तुम्हारी बहुत याद आई यानली। ऐसा कहकर वो लोग यानली को हक कर लेते हैं। वो लोग काफ़ी देर तक यानली को इसी तरह से हक कर कर रखते हैं और रोते रहते हैं। और वहाँ जिन जिश्वन भी होता है क्योंकि वो यहाँ किसी स्पेशल इवेंट के लिए आया था। और जब जिन जिश्वन बाहर से कुछ आवाज़ें सुनता है तो वो भी बाहर आता है और वो भी अपने पेरेंट्स को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है, साथ ही साथ यानली के पेरेंट्स को भी। और पीछे से वहाँ जिनलिंग भी वो आवाज़ें सुनकर आता है। जिनलिंग जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानता है क्योंकि उसने कभी भी उन्हें देखा ही नहीं था, तो वो उन्हें भला पहचानता ही कैसे। तो जिनलिंग जिन जिश्वन से पूछता है कि डैड ये लोग कौन हैं और मदर रो क्यों रही है। तभी जिनलिंग की आवाज़ सुनकर यानली और जिन जिश्वन के पेरेंट्स जिनलिंग की तरफ देखते हैं और वो लोग एक सॉफ्ट स्माइल देते हैं उसके तरफ। और वो लोग एक साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। जिनलिंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हक करने की बजाय सिजुई को जाकर हक कर लेता है और वो सिजुई को हक कर कर बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, आप लोग कभी भी मदर से मिलने क्यों नहीं आए, आप लोग कभी भी फादर से भी क्यों नहीं मिलने आए। आप लोगों को पता है मदर फादर आप लोगों को बहुत मिस करते थे और मैंने तो आप लोगों को कभी देखा भी नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि आप लोग कैसे दिखते होंगे। मैं हमेशा जब अपने कुछ फ्रेंड्स को देखता था उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए, मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता था। मैं हमेशा सोचता था कि आप लोग मुझे देखने, मदर फादर को देखने के लिए कभी भी क्यों नहीं आए, कभी भी क्यों नहीं आए। ऐसा कहकर जिनलिंग और भी ज़ोरों से रोने लगता है और वो सिजुई को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तभी जिनलिंग के ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ कहते हैं कि बेटा हमारी बात तो सुनो। लेकिन तभी जिनलिंग चिल्लाकर कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है, आप लोग मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब भी नहीं आइएगा। जिनलिंग ऐसा कहकर और भी जोरों से रोने लगता है। तभी सिजुई जिनलिंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है कि जिनलिंग शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुमसे मिलने आए हैं। मैं जानता हूँ कि वो लोग काफ़ी समय बाद तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन वो लोग तुमसे मिलने आए तो सही। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड है एक्सपेक्ट करना, लेकिन वो लोग तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं जिनलिंग, और वो लोग तुमसे बात करना चाहते होंगे। उनके पास ज़रूर कोई रीज़न होगा जिसके वजह से वो लोग कभी भी तुमसे मिलने नहीं आ पाए होंगे। जिनलिंग चिंता नहीं करो, अब वो लोग तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। जिनलिंग वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं।
लेकिन जिनलिंग सीजू से कुछ भी नहीं कहता है, तो सीजू ही जिनलिंग के ईयर्स के पास जाकर कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के सामने किस कर दूंगा। सिजुई जब ऐसा कहता है तब जिनलिंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और दूसरे तरफ जिनलिंग के ग्रैंड पेरेंट्स का मुँह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सारी बातें सुन ली थी जो सिजुई ने कहा था। और जिन जिश्वान की फैमिली और यानली की फैमिली जिनलिंग और सिजुई को देखने लगती है, और सारे के सारे अपने मन में सोचते हैं कि जिनलिंग का एक बॉयफ्रेंड है, और यानली की मदर तो सोचती है कि मेरे ग्रैंडसन का एक बॉयफ्रेंड है, मुझे तो लगा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी। और दूसरे तरफ जैनचैन और वीइंग तैयार हो रहे होते हैं। वो लोग जब तैयार हो जाते हैं, वो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि सीजी हम लोग तैयार हो गए, हम लोग कैसे देख रहे हैं अभी। तभी जैनचैन और वीइंग जैन याली और जिन जिश्वान के पेरेंट्स को देखते हैं। वो लोग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जैन याली और जिन जिश्वान के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि क्या आज कुछ स्पेशल इवेंट है तुम्हारे घर पर। तभी जैन याली और जिन जिश्वान उनसे कहते हैं कि हाँ, आज एक स्पेशल इवेंट है हमारे घर पर। जैन याली और जिन जिश्वान ऐसा कहते ही हैं कि तभी वहाँ लैन वॉन जी और लैन सिचैन और लैन कुरैन भी आते हैं। जैनचैन और वीइंग लैन कुरैन को देखकर अपने ड्रेस को ठीक करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि वो लोग अच्छे तो दिख रहे हैं ना। और ये सब देखकर जिन जिश्वान और यानली की फैमिली सोचने लगती है कि आखिर इवेंट है क्या जो ये दोनों इतनी ज़्यादा तैयार होकर यहाँ है। वो लोग ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी वीइंग के पास वांगची आता है और जैनचैन के पास लैन सिचैन आते हैं। और जब वांगची और लैन सिचैन जिन जिश्वान और यानली की फैमिली को देखते हैं तो वो उन्हें हेलो कहते हैं। और दूसरे तरफ लैन कुरैन जब यहाँ आ रहा होता है तो वो सिजुई को जिनलिंग को हग किए हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सिजुई भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लैन कुरैन और जिन जिश्वान और यानली की फैमिली घर के अंदर होती है और वो लोग डिनर टेबल के पास बैठे हुए होते हैं, उस समय वांगची और वीइंग एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं, और दूसरे तरफ लैन सिचैन और जैनचैन एक दूसरे के साथ लवली डबली हो रहे होते हैं, और तीसरे तरफ सिजुई जिनलिंग को खाना खिला रहा होता है। और ये देखकर यानली और जिन जिश्वान की फैमिली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी लैन कुरैन उनसे कहता है कि आपको क्या इसके बारे में पता नहीं था, मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही था कि यहाँ आने के बाद ये सब देखने को मिलना ही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में आज ही पता चला है। तभी जिन जिश्वान और यानली की फैमिली अपना सिर हिलाकर कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इसके बारे में आज ही पता चला है। ये सुनकर लैन कुरैन शॉक्ड हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ और भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। उसके बाद अचानक से लैन सिचैन और लैन वॉन्जी कहते हैं कि हमें हमारे बॉयफ्रेंड से कुछ कहना है। उसके बाद लैन वॉन्जी और लैन सिचैन वीइंग और जैनचैन का हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ। उसके बाद लैन वॉन्जी वीइंग से कहता है कि वीइंग, तुम मेरे लाइफ में एक सनशाइन की तरह हो और तुम हमेशा रहोगे भी, मुझे तुमसे हमेशा से ये बात कहनी थी। वीइंग, क्या तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा बनोगे,
क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंक? ये सुनकर विंक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगची को हग कर लेता है और उसके बाद वो वांगची से कहता है कि लंचा, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करते आया हूँ, तुम क्या सोचते हो कि मेरा आंसर क्या होगा? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लंचा। ऐसा कहकर विंक किसी और की परवाह किए बिना वांगची को किस कर लेता है और ये देखकर यान ली जिन जिश्वेन और लैन कुरन का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। और गाइस, अगर हम फुजोसिस उनके जगह होते तो हमारा रिएक्शन तो ये होता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए, ठीक है, तो गाइस आगे हम देखते हैं कि लैन सिचेन जेंगशान से कहता है कि आचियन, जैसे कि तुम जानते ही होगे, तुम मेरा पहला प्यार हो। मुझे ये सवाल तुमसे बहुत पहले से पूछना था आचियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे आचियन? लैन सिचेन जब ऐसा कहता है तब जेंगशान साइलेंटली अपना सिर हिला देता है। उसके बाद लैन सिचेन जेंगशान को हग करते हैं। तभी सिजुई भी अपने प्लेस से उठता है और वो सबसे कहता है कि मुझे भी आज जिनलिंग से कुछ कहना था। उसके बाद सिजुई जिनलिंग को प्रपोज करता है, शादी के लिए नहीं, अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। हालांकि वो लोग पहले से ही बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी सिजुई ने जिनलिंग को उसकी मदर का दिया हुआ रिंग नहीं पहनाया था। इसीलिए उस दिन सिजुई जिनलिंग को अपनी मदर का दिया हुआ रिंग पहनाता है। इसी के साथ हमारे इस फैन फिक्शन का एंड हो जाता है। गाइस, मुझे नहीं पता है कि आपको इस फैन फिक्शन की एंडिंग कैसी लगी है। आपको अगर इस फैन फिक्शन की एंडिंग अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए मुझे आपसे ये कहना है, I am sorry, बाबू। तो ठीक है गाइस, जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी द रिवाइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेकर और फेरी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो इसी के साथ हम प्यार से अलविदा करते हैं इस फैन फिक्शन को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर और बाय बाय।